राम राम भाइयों, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। जैसा कि आप सभी जानते हो, 10 तारीख ने गांव कैमला में 10 तारीख ने गांव कैमला में अलका ग्रोंडा में कैमला पड़ता है और बीजेपी का खटारा बीजेपी का खटारा 10 तारीख ने कोई रैली, कोई फंक्शन, कुछ भी कर रहा है और गांव कैमले के उसने सपोर्ट कर रहे बुलाने के लिए। अरे जमीर मर क्या है कैमलियो थारा, इंसानियत तो होगी। माना किसान कम है कैमले में, ज्यादा जमीन नहीं आंदी, लेकिन एक जमीर तो होगा, वो जमीर तो नहीं मरिया। किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर बारिश में बैठे थारी खातर, मारी खातर। मैं अनि शर्मा गांव डिंगर माज रहता हूँ भाई, गुआंडी लागा मिन के 2 किलोमीटर गांव है, 2-2.5 भी नहीं पड़ता, हाईवे जाओ तो 2-2.5, लोकल में जाओ तो 500 मीटर पर ही है। जैसे कि आज मैंने दिन में देखा, लाइव वीडियो चल रही थी, हैले हरियाणा पर देखा था, तो किसान गए होंगे उन तक पूछना, भाई तुम क्यों क्यों कर रहे, के भी पत्ती है, तो वे उन तक बात भी नहीं करी, बैर तबैर पेल दिए धक्के अमेरिकन है। ऊ तो कह हम रोड बिरादरी के हैं, समाज में जुड़े हुए हैं। रोडे बिरादरी गई थी बस्ताड़ा गांव का थे, कुछ कटेल का थे जो बात करन गए थे, कुछ ग्रोंडे का थे, तो कम से कम बात तो करनी थी, उन तक समझाना तो था कि हम क्यों बुला रहे। फिर वो लाइव वीडियो देखी मैंने, 1-2 बुजुर्ग थे अपने बाप के समान ही है बुजुर्ग, तो किसी भी गांव को अकाम लंगड़े बाबा का भंडारा कर रहे, उस पर बुला रहे और कोई मकसद नहीं है। लंगड़े बाबा का भंडारा हम धार्मिक जुड़े हुए ऐसी बात नहीं, हम भी हिंदू समाज से हैं, कोई नून या भाई मुस्लिम है, ब्राह्मण कास्ट है, हर धर्म की सम्मान करना चाहिए। हर साल भंडार होया अगर लंगड़े बाबा का, तो पहले क्यों नहीं बीजेपी वाले आए कदी, पहले क्यों नहीं बुलाए कदी बीजेपी वाले। ईबी के मुद्दा उठ गया, जो ईबी टेम जब किसान धरने पर बैठे, ईबी क्यों बुलाने पड़ गए वह खट्टर। एमएलए कल्याण पता है हमने कितना का बड़ा नेता है, जब वोट मांगने जब तो पाया बढ़ जाकर ऊ किसी ने पूछा भी नहीं करता, इतना ही बढ़िया नेता है। तो आज लग 6 साल हो गए, कोई जाकर नौकरी लुआया उसने अपने हल्के में, तो बात भी नहीं करता किसी, तो पता है उसका कितना बढ़िया नेता है। ठीक है बीजेपी की लहर में बन गया था, बाकी तो उन्हें वोट भी नहीं आनी थी, क्योंकि पहले इलेक्शन लड़के उसने देख रखा, उसने वोट भी क्योंकि पहले भी बतेरी बेरी आ रहे हो, बीजेपी की लहर में मोदी की लहर थी बन गया। उसने कीमत ला दी कैमले गांव की 30 करोड़ रुपए, अपने गांव ने बेच लंदा कटेल ने, क्योंकि बेरा था जूत लागेंगे, मैं भी काऊ को नहीं कटेलिए, उनने इसका हिस्ट्री इसका अस्तित्व पता है कितना अच्छा नेता है, अपने गांव में क्यों नहीं बुलाया, दूसरे के कंधे में बदर का बंदूक चला दी। हाँ बुलाना था राइजिंग सन स्कूल है, उसमें बुला लंदा और ले जाता ना गाड़ी में बैठा कर ना कैमले में, पता लग जाता कितने के लोग आते तेरी स्कूल में रैली में, फिर पता लग जाता कितने कोड़ा कैमली उसका स्वागत कर दे, और कैमली आ जाते तो तेरे स्कूल में, पहले कैमली नहीं आओ थे तेरे स्कूल में, तने काम कर दिया दूसरे के कंधे बदर के बंदूक चला दी, वे समाज से घेर दिए, उनका बाइकाट करवा दिया। हम तो आउट ऑफ कंट्री बैठे, हमने तो इतना ठीक है भाई जो हो रहा है ठीक है, लेकिन हमारा सर्कल है, हमारे यार दोस्त हमारे गिल्लो पढ़ रहे हैं कैमले के, हम खुद कैमले पढ़ रहे, राइजिंग सन स्कूल है महेंद्र जी का, मास्टर महेंद्र का, वो भी बीजेपी का प्रवक्ता चमचा जो भी है, क्योंकि उसी की कुछ मिली भी उसकी पानी है, कुछ एक सरपंच की, सरपंच भी था हमने बनाया था, कोई अपना पद बने नहीं हो। तो मैंने 2-3 जो मेरे सर्कल में थे फिलहाल ही उनसे बात करी थी, कैम लिया था जब तक है मैं कह सक क्यों हो गया जो इतना बड़ा कदम उठ रहे हो। 5,000 वोट है, मैं आपने बता दू कैमले में 5,000 वोट फिलहाल ही, मैं बीजिंग अलग मेरा आइडिया है, 5,000 वोट है,
वे जाकर नु बोले 50 आदमी समर्थन कर रहे, 5000 वोट मतलब 50 आदमी समर्थन कर रहे, तो 4950 बाकी बच गई। 4000 भी नहीं छोड़, 4950 भी नहीं, ऐसा क्यों ना 2000 आदमी 50 आदमी ना समझा नहीं सकते कि तो हमारी समाज में क्यों ना कटवा रहे, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहे। समाज से तो फिर भी जुड़ना पड़ेगा, अगर समाज ने थारा बायकॉट कर दिया तो कड़ी मुंह दिखाने के रहना गांव गुआंडा में, कोई रिश्ता नहीं करने का, कोई अपनी जाति नहीं देने का, कोई जाति नहीं लेने का। अगर सारे समाज ने मिल कहना है बटले होकर ना एक गांव का बायकॉट कर दिया तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कर दिया अगर समाज, समाज तो बड़ा कुछ नहीं होता। जिसने आज कुर्सी दे रहे हो नहीं, जिसने आज अपने दोहरा बैठे वही जड़ कैट रहे थारी आगे खातर, इन फ्यूचर थारा फ्यूचर खोन लग रहा डिम्मक की तरह, जो कर डिम्मक एक पेडे में लग जाकर नहीं राम राम तक खोया कर, इन्हें शुरुआत कर दी कैम लेता अर्थात हमने राह दिखा दिया इस तरह। तो भाइयो रिक्वेस्ट यह है कैमले के युवा है जिस टॉपिक पे मैं लाइव आया, बाकी में ज्यादा आंदा नहीं क्योंकि सोशल मीडिया था पास इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि काम हिला करना है अपना, दिहाड़ी करनी, काम करना, बात खत्म। मेन लॉजिक मेन टॉपिक यू था लाइव आने का, आज जोड़ के विनती है कैमले के जितने भी युवा हैं, जितने भी मना जाना है या जितने मेरे तक जुड़े हुए हैं गांव गुआंड के कैमले के, शुरुआत अपने घर तो होती है। घर में एक जाकत एक माँ बाप अगर गलत कर रहा है नहीं, उसने समझाने का सबका फर्ज बना है, अगर उसकी गलती पर पर्दा गिर दे नहीं तो फिर वो लफंगा लोफर गुंडा या कुछ भी एनीथिंग समझ सो आप वो बन जाए। थाम खुद लाइव आओ, खुद उनका बहिष्कार करो अपने गांव क्या का, जीव न अकल आवेगी कि हां मारे जाकत मारे युवा मारी गिल्लो नहीं है, सरपंच था हमने बनाए रखा कोई अपने ऊपर अपने अपने का बड़ा कुछ नहीं होता, समाज का बड़ा कुछ नहीं होता। इलेक्शन फिलहाल में भी जिंगे लगा जनवरी में ही होगा, एक तो उसने तला पटको उसकी औकात दिखाओ, उसने तेरा के औकात थी जो मारे कंधे उधर कतने बंदूक चलाई। सेकेंडली जितने भी मेरे जानकार है जितेंद्र भाई हो गया प्रदीप हो गया, तो भाइयो कम तक अमृत सोनू यूएसए, सोनू यूएसए भाई खुद लाइव आओ, खुद उन एहसास दिलाओ कि थम गलत कर रहे जो भी कर रहे, समाज में मुंह दिखाने के नहीं रहे। अरे वे सरदार सिंह जिन हमारी इज्जत बचाए रखी, अगर इतिहास ठेका देखा था ऐसी बात नहीं, हिंदू धर्म तक तालुकात रखो तो इतिहास पढ़िया भी होगा थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं, और ये तो पांचवी दसवीं में पढ़ान लग जा वे भी गए उड़ा। एक मेहमान आ जाए उसने तो सब बुलावा घर में, एक मेहमान आया तो उसने बुलावा घर में, उस तक पूछ तो लेंदे कहा भाई चाय पानी, उनका पहले ही जूत मार दिए पहले ही पेल दिए मैं, वाह ये संस्कार है कैमले के। सुने था कैमले थोड़े से घटिया है बिकाऊ है, फिर नू नहीं बेरता इतने तोले बिक जा भाई, एक आदमी ने खरीद लिए, सुनी थी सरकार खरीद ला बड़े तोले खरीद बिके यार। राइजिंग सन के मास्टर जी आपका स्टूडेंट था मैं, आपके स्कूल में पढ़ रहा था, शर्म करो क्यों बेच दिया युगाम, इलेक्शन की भूख हो ऊ लड़ लो, पता लग जाएगा जीतोगे कि ना जीतोगे, लेकिन यार राजनीति अपने जागता बकरण ना पाई, समाज में मुंह दिखाने के तुम छोड़े हैं जाकर कैमले के बेचारे जो उनसे युवा है वह शर्मिंदा है, बात करी मैंने खुद 10-15 फोन करे मैंने दिन में, वह शर्मिंदा है वे बेचारे ने, अरे भाई अनी हम के करें मारी चल दी नहीं, चल लेगी चलाओगे तो, जन्म एक बार मिला बार बार नहीं, मौत सब नानी, किसी का हार्ट अटैक हो जाए कोई एक्सीडेंट मर जाए गर्व तो मरो, ताकि गर्व हो कि हाँ किसी काम किसी मुद्दे पर मरिया, कुत्ते की मौत मरण तो बढ़िया है गर्व तो मरो। तो मेरे भाइयों लाइव आओ समझाओ कहो उनके घर हो जाओ, सरपंच कोई गांव तो बड़ा नहीं होता, टीटी खा नहीं होता, गांव का चौधर नहीं बन गया, उन्हें तो अपना घर भरना, 30 करोड़ रुपये देगा खट्टर सुनने में आई थी 30 करोड़ रुपये देगा, अरे हल्का ग्राउंडा ने देगा केले कैमले गांव तक उन दिंदा 80-84 गांव आवा हल्का ग्रोडे में कै लाख बन डाए 3 लाख बन डावेंगे, 3 लाख में काम बेच दिया
3 लाख मकान बेच दिया। फिर 2-3 जिमीदार चौधरी बाबा दादा जो भी थे वे मैनू कह रहे अक मारे बाबा लंगड़े की मान्यता है हम भंडारा कर रहे। करो यार बढ़िया बात है, करना चाहिए, सामाजिक काम है करो। उस सामाजिक काम में राजनीति का क्या काम, राजनीति क्यों, उस काम में धार्मिक काम में राजनीति क्यों, बुलाना था ऊ बुला दे कदी बुलाना था उस तेन जी थारी इतनी चल रहा है थारी सीधे खट्टर लग लिंक है खट्टर कैमले गांव में आ सके तो उस तेन कह दें खटारे अकिये कानून जो ये बिल है ये वापस ले ले। पब्लिक फद्दू नहीं है, मिस वर्ड यूज हो जाएगा गुस्सा इतना, पब्लिक फद्दू नहीं है। जोड़ा बैठी 45 दिन तक एक दिन बाहर बैठ कर देख लो, पता नहीं कड़े कड़े ना पसीने आवे, ठीक है न? तो पता एहसास हो जाए, जाकत भी है बड़े भी है बुजुर्ग भी है, मैं थारे खतरे बैठे मारे खतरे बैठे, कोई अपना कोई एक बंदे का बेनिफिट नहीं होता। अगर समाज में कुछ सुधार होगा कोई एक बंदे का बेनिफिट नहीं होता, पूरे समाज का बेनिफिट होगा, पूरे समाज का सुधार होगा। तो सभी तैयारी रिक्वेस्ट है भाइयों इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो बीजेपी के हमने वोट दे रखी बीजेपी तो हम नटते नहीं दे थी क्योंकि ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस फद्दू काम कर दिया थी, हमने गुलाम बना लग दी थी दोबारा, फिर पता लग गया भाई बीजेपी अच्छी है मोदी बढ़िया है कुछ करेगा, करे भी ऐसी बात नहीं कुछ काम गलत करे उन्हें, करे भी है बढ़िया काम भी करे, लेकिन कुछ काम ऐसा कर दिया जुर्नी कि एक आदमी ही शान होगा, हर कोई शान है अपनी जगह पर, लेकिन उसकी सुनने की जरूरत है। जुर्नी कि मोदी पीएम बन गया तो वो ही शान हो गया, वाई यार क्यों, सारी समझ उसमें आएगी राजनीति में दी। ऐसे ऐसे राजनेता है वह राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई बिहार की, ABCD नहीं आंदी उसने, कहता कखा नहीं पढ़ रही वा नेता। 80% पॉलिटिक्स ऐसे हैं जो उनसे केस हैं, क्राइम कर रखे जिनने, लेकिन वे नेता है हमारे देश के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना ही कल्याण बढ़िया था तो अपने गांव में क्यों नहीं बुलाया उसने, अपने स्कूल में बुलांदा, अपने स्कूल में बुलाया जीव कंधा खां भाई इब चल कैमले में पता लग जिंदा लिखण भी जिंदा कोई कैमले में धरके बैठ गया क्यों मैं बुलावे तो कटेल में भी था लेकिन कटेल वाले ने विरोध कर दिया क्योंकि वो चल दी कौन उसकी। जिस बंदे की अपने गांव में इन चल दी हो बाहर चला रहा, या बात समझो कैमलियो या समझो सोचण की बात है, या सोचण की बात है। और कैमले गांव के सरपंच जी और उसके बीजेपी के प्रवक्ता जो भी है खासकर जिन्हें मैं जानू हूं महेंद्र मास्टर जी और कैमले गांव के सरपंच जी, मैं सीधा लाइव आएगा कि सीधा चैलेंज कर रहा कोई इसमें नहीं, जो करना मेरी दरखास्त दे डोंट वेरी। गांव ने बेचा नहीं कर दे, गांव ने बसाया करे, उजाड़न का नहीं काम करा कर दे, उजाड़ दिया बसाया नहीं। ये जाकत जो नई युवा पीढ़ी है नी वह शर्मिंदा है अपने खुद नजरा में, मैं कह नहीं सकते क्योंकि पार नहीं बसा रही। 20 आदमी सुनया था भी अकबई गांव का चौधरी गांव पर भारी होया करे, आज देख भी लिया वो चौधर ने गांव गिरवी धर दिया, गहने धर दिया बीजेपी के। अगर बीजेपी बढ़िया है थारी इतनी चल है तो उस तक को कि ये काले कानू वापस ले ले, फिर आ जा मेरे गांव में हम स्वागत करेंगे तेरा, फुल्ला तय पीछा तय, ठीक। तो यह बात समझो मेरे भाइयों, जय श्री राम, जय हरियाणा, जय किसान एकता, जय जवान जय किसान।